वेलकम। अपने लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो इनहेरिटेंस के बाद हमने फ्रेंड फंक्शन के बारे में बात की थी। तो फ्रेंड फंक्शन के बाद फ्रेंड क्लास भी हो सकता है हमें, जिसको एक्सेस मिलता है, जिस क्लास का भी हम उसके फ्रेंड कर दें तो उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स का उसे एक्सेस मिलता है। ठीक है, आज हम एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है C++ में, इसे बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शन के बारे में हम जानेंगे कि इनलाइन फंक्शन क्या होती है और इनलाइन फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके मेरिट्स क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिख के रखा है। वी हैव अ क्लास ए, ठीक है, और क्लास ए में सपोज आई हैव वेरिएबल कॉल्ड एज इंट एक्स। ठीक, तो वी विल यूज पब्लिक फंक्शन। ठीक, इन पब्लिक फंक्शन वी यूज सपोज वाइड सेट, वाइड सेट सेट्स ए एक्स टू द वैल्यू 10। ठीक है, देन वी विल हैव अनदर फंक्शन इंट गेट एंड दैट रिटर्न इज अ वैल्यू ऑफ दैट एक्स। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक वाइड सेट जो कि सेट करते हैं एक्स का वैल्यू, और वाइड गेट इंट गेट जो कि रिटर्न करते हैं इस एक्स का वैल्यू। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास, मेथड्स हैं हमारे पास क्लास की, क्लास ए की। ठीक है, हमारे पास क्लास ए है, वो है डेटा मेंबर है। तो सिंपल सी दो फंक्शंस हैं हमारे पास, कोई डिफिकल्ट कोड नहीं है इनमें। तो अपने जो हम करते आ रहे हैं अपने मेन वाली मेथड फंक्शन में, जहाँ से प्रोग्राम कुछ स्टार्ट होने लगता है, हम इस ए का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट से ओबियसली हम इन दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन सेट द वैल्यू एंड वी कैन ऑब्वियसली, अगर हमें इस रिटर्न करना हो किसी में वैल्यू या डिस्प्ले कराना हो वैल्यू, तो हम इस गेट वाली फंक्शन से इसको कर सकते हैं। सो अभी तक हम इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके, क्या ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा हम इसको चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 10। इट मीन्स दैट सेट द वैल्यू, इसने सेट किया है वैल्यू इसका और फिर उसको रिटर्न किया है। सेट से सेट हो गया वैल्यू 10 जो कि हमने किया था यहाँ पे 10 वैल्यू, और गेट से फिर रिटर्न हो गया है वैल्यू। ठीक है, तो ये अभी तक तो ठीक है। अब लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो फंक्शन कॉल है, यहाँ पे कॉल हो रही है इस फंक्शन को और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल हो रही है, कैसे काम कर रही है फंक्शन कॉल। असल में यहाँ पे स्टैक यूज होता है, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट को कॉल करता है तो यहाँ से लेके हमारे पास जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास स्टार्ट हो जाता है ये फंक्शन कॉल एक, और यहाँ से ये एड्रेस स्टोर रहता है, नेक्स्ट एड्रेस जो भी है। सपोज यहाँ पर अभी हमने हमारे पास 24 है, हम इसको मानेंगे एड्रेस, ये लाइन नंबर है, हम इसको मानेंगे एड्रेस। तो ये 24 स्टैक में चला जाता है और ये पहले हमें पहुँच जाता है इस पे 9 पे। ठीक है, हम फिलहाल इस लाइन नंबर को एड्रेस मानेंगे, तो 9 पे चला जाता है। तो यहाँ से सारा काम ख़त्म करके फिर ये वापस आ जाता है, रिटर्न आ जाता है, और रिटर्न आ जाता है इस 24 लाइन पे, नेक्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट। तो ये तो फंक्शन कॉल्स हमारे, हमें कैसे कॉल काम करते। तो यहाँ पर एक ओवरहेड है। ओवरहेड क्या है कि इसको स्टैक में नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करना पड़ता है, फिर इसको यहाँ जाना पड़ता है, फिर इसको ये काम ख़त्म करके वापस फिर से आना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है ऑब्जेक्ट डॉट गेट में, नेक्स्ट एड्रेस स्टोर हो रहा है, फिर इस एड्रेस पे पहुँच रहा है, फिर इस एड्रेस को एग्जीक्यूट ख़त्म करके वापस आ रहा है। तो ये तो फंक्शन कॉल्स ऐसे काम करते हैं, हम इसके बारे में तो जानते ही हैं कि फंक्शन कॉल्स कैसे काम करते हैं, तो आर्किटेक्चर में है। ठीक है, लेकिन ये जो ओवरहेड है यहाँ पे, ये छोटी छोटी फंक्शन है, देखो इसमें बड़ी मेथड्स हैं तो नहीं, एक एक लाइन का कोड है, एक एक लाइन का कोड है, लेकिन ओवरहेड बहुत ज़्यादा है इनमें। जैसे हम इसको कॉल करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवरहेड है। तो इस ओवरहेड को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड है दैट्स कॉल्ड इन लाइन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट हियर इन लाइन इन फ्रंट ऑफ मेथड। मैंने लिखा इसको इन लाइन, इन दोनों मेथड्स को। अब क्या करेगा हमारा कंपाइलर जो ही इसे कंपाइल करेगा, ये देखेगा कि एक रिक्वेस्ट है। हम ये बता दूं यहाँ पे कि इन लाइन एक रिक्वेस्ट होती है, इट्स अ रिक्वेस्ट टू द कंपाइलर, कंपाइलर कैन डिनाई इट।
कंपाइलर इसको डिनाई कर सकता है, किसी भी टाइम पे डिनाई कर सकता है, इट्स नॉट बाउंड, बाउंड नहीं है कि इसको हमने इसको इनलाइन बोला तो ये इनलाइन जैसा। अब इनलाइन क्या करता है, सपोज ने इनलाइन इसको मान लिया, अब ये जब इसे कंपाइल करने लगे इसको ये सारा जो हमारा ये कोड है ये इसको यहाँ पे पेस्ट कर देगा, लाइक ये ऐसे आ जाएगा, जैसे हमने ये यहाँ पे ऐसे ये सेट वाले जो भी कोड है ये एक्स इज इक्वल टू टेन इसमें जो भी हो रहा है वो इस कॉल के को रिप्लेस करेगा। ठीक है, जैसे हम मानेंगे कि ये कोड जो है ये कॉल कंपाइल होने के बाद ये सारा कोड जो है सपोज यहाँ पे एक ही लाइन का कोड है और कुछ नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे कोड डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं ये कमेंट्स में दिखा रहा हूँ। और गेट में भी ऐसा ही होगा क्योंकि इसको भी हमने तो इसको वो यहाँ पे बोलेगा रिटर्न करो एक्स कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यही देखें कि कंपाइलर कंपाइल के टाइम पर ही ये चीज़ें कर रहा है तो इसमें जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था ओवरहेड हमारा कम हो रहा है, हमें इसको स्टैक पे नहीं लेना पड़ेगा नेक्स्ट एड्रेस को, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, वो जो ओवरहेड्स हमें हैं ओवरहेड्स यानी एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ता है, इस चीज़ से वो एक्स्ट्रा काम हमारा कम हो जाता है और हमारा ये एक शॉर्टकट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन लाइन मैंने इससे पहले ही बताया कि एक रिक्वेस्ट है, इट्स अ रिक्वेस्ट, कंपाइलर कैन डिनाई इट। ठीक है, हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपाइलर को, ये जो हमारी लाइंस ऑफ कोड है तो ये इनलाइन आप कर दो। ठीक है, अब अगर हम देखें मैंने इसको इनलाइन लिखा, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें एग्जीक्यूट में कोई फ़र्क नहीं आ रही है, हमारे आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं है, ना हमें ये पता चल रहा है कि इसने इसको क्या इसने इसको इनलाइन लिया कि नहीं लिया, हमें ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट टेक्स इनलाइन। ठीक है, तो इसको इनलाइन लेता है जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, और कब लेता है इनलाइन, ये यहाँ पर याद रखने की चीज़ है, इनलाइन कब लेता है, इनलाइन ये तब लेता है जब हमारी लाइन्स ऑफ कोड कम हो, लाइन्स ऑफ कोड में रिकर्शन ना हो, हमारी लाइन्स ऑफ कोड में लूपिंग ना हो, क्योंकि तब तो वो ज़्यादा ओवरहेड हो जाता है, उससे बेटर होता है कि इसको कॉल ही करें। तो ये जब इसको लगता है कि लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा नहीं है, इसमें रिकर्सिव फंक्शन नहीं है, इसमें कोई लूप्स नहीं है, तो तब जाके मोस्टली अगर वो चीज़ें ना हुई हमारे कोड में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है हमारी जो हमने इनलाइन इसको बता दिया कि वो उसको इनलाइन ले ले। ठीक है, तो इनलाइन क्या है, इनलाइन सिंपली इट एक्ट्स एज कॉपिंग एंड पेस्टिंग द कोड इंस्टेड ऑफ द फंक्शन कॉल। ठीक है, तो इस कोड को सीधे यहाँ पे यूज़ करता है जो मैंने अभी यहाँ पे कमेंट्स सेक्शन में दिखाया, लेकिन हमें पता नहीं चलता किसने लिया भी है कि नहीं लिया है, हम बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपाइलर जो है हमारे रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, हमने जो उसको रिक्वेस्ट किया ये किया। तो लेकिन मैंने इसमें कंडीशन बता दी कि मोस्टली सी प्लस प्लस का कंपाइलर इनलाइन रिक्वेस्ट कब एक्सेप्ट करता है, इट एक्सेप्ट व्हेन वी हैव अ स्मॉल सम लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड वी डोंट हैव अ रिकर्सिव, हमें रिकर्सिव जो हमें पता है रिकर्सिव सेल्फ कॉलिंग वो ऐसा कोड ना हो या लूप्स ना हो हमारे कोड में, तब ये इसको इनलाइन ही लेता है। और एक चीज़ है यहाँ पे देखने की कि अगर मैं इस फंक्शन को ना भी लिखूँ इनलाइन तो ये भी पॉसिबल है, ये एक्चुअली सी प्लस प्लस का कंपाइलर क्या करता है, जो विद इन द क्लास फंक्शंस डिफाइन की गई हो वो इनको इनलाइन ही समझता है, वी एज वी नो कैन दैट वी कैन राइट दिस कोड आउटसाइड ऑफ द क्लास, इस कोड को आउटसाइड ऑफ द क्लास भी लिखा जा सकता है और वो इस क्लास के साथ हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी डिक्लेरेशन करेंगे और डिफाइन इसको आउटसाइड द क्लास कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ पे हमें यहाँ पे पॉसिबल है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे इनलाइन लिखें या इसको इनलाइन ना भी लिखें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो कंपाइलर ये खुद चीज़ें देखता है कि अगर ये हमने कोई मेथड विद इन द क्लास डिफाइन भी की है तो उसको चाहता है कि वो इनलाइन ले ले। ठीक है, तो दिस इज सिंपल अबाउट द इनलाइन, इनलाइन फंक्शन क्या होती है, इनलाइन का कंसेप्ट जो, तो ये बिल्कुल सिंपल है और ज़्यादा इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करनी, ये सिंपल में याद रखना है कि इट्स अ रिक्वेस्ट, ये कंपाइलर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि हमारा कोड जो है छोटा है उसको आप कॉल करने के बजाय पेस्ट ही कर दो यहाँ पे। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग, ठीक है, ओबवियसली एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग।